हेलो डी स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे क्लास सिक्स चैप्टर 12 रेशन प्रिपरेशन की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें लिखा हुआ है कंसीडर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है आपको, रेशियो दे रखा है ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5। रेशियो कितनी दे रखी है? 2:5। आपको कंप्लीट करनी है टेबल को एंड पॉसिबल ब्रेथ एंड लेंथ बतानी है हॉल की कितने हो सकते हैं, एंड ये आपको मीटर्स में है दोनों चीज़ें। तो देखिए रेशियो क्या दे रखी है, रेशियो RATIO रेशियो ऑफ ब्रेथ BREADTH ब्रेथ एंड लेंथ लिखा हुआ है, तो आप ब्रेथ टू लेंथ भी लिख सकते हो। क्यों? फर्स्ट वाला ब्रेथ है, सेकंड वाला लेंथ है, ठीक है। लेंथ ऑफ अ हॉल HALL कितना है? 2/5, 2:5 है, इसका मतलब कितना हो गया? 2/5 दे रखा है आपको रेशियो। अब समझना है क्वेश्चन को, मेनली इसमें समझने का है, उसके बाद तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए ये 10 एंड 25, ये तो इन्होंने अपने आप कंप्लीट कर रखा है कि अगर 10 मीटर होता ब्रेथ तो लेंथ होती 25, एंड ये हमारा इस रेशियो में आ भी रहा है। आप 10/25 को सिंपलेस्ट बनाओगे ना, वैसे हमें करना नहीं है ये, तो 5 2 10, 5 5 25, तो देखिए 2/5 रेशियो आ रही है हमारे पास, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, ये नहीं करना है तो नेक्स्ट देखना है आपको। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा हुआ है, एक तो दे रखा है आपको ब्लैंक जो कि आपको फिल करना है, दूसरा दे रखा है 50, ठीक है। तो आपको देखिए 2/5 है, इसमें मैं 2/5 में मैं 5, देखिए डिनोमिनेटर 50 दे रखा है ना, न्यूमिनेटर तो लिखा ही नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो गया 50। एंड जैसे कि हमने किस में चैप्टर में किया था, फ्रैक्शंस वाले चैप्टर में किया था, तो इसमें मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ 5 में कि 50 हो जाए, इजी है। 5 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई करूँ 50 हो जाए, 5 10s of 50, तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर में। सेम नंबर से किस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, न्यूमरेटर में, तो कितना हो जाएगा ये 20। तो फिल इन द ब्लैंक में कितना आएगा, फिल इन द ब्लैंक जो ये आपको क्वेश्चन मार्क लिखा हमने यहाँ पे, कितना आ जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 20। फर्स्ट हो गया। अब सेकंड सेम देखिए 2/5 ही क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि ये सिंपलेस्ट है, इसे इजी नहीं है, तो इसे छोटा नहीं हो सकता। तो ये बेस्ट मेथड है कि आप सिंपलेस्ट से करोगे, अगर आप 10/25 से करते तो भी हो जाता, लेकिन सिंपलेस्ट से करना से थोड़ा इजी हो जाता है। तो 2 में मैं किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि 40 हो जाए, नीचे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 2 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूँ कि 40 हो जाए। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो 40 को 2 से डिवाइड कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता कि 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 40 आएगा, तो 40 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो 2 2s are 4, 0 एंड अगेन 0, तो 0, तो 20 से मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो जब आपने न्यूमरेटर को 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिनोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड 20 × 5 कितना होता है, वैसे भी आप बता सकते हो 25 ज़ा 100। अगर डाउट है तो 20 का मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, 5 0 0, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एंड क्या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो देखना होता है कि आपको एक नंबर दे रखा होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से, ठीक है, तो आपको दूसरा फाइंड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना होता है, जिससे कि हमारा इक्वल बन जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 100। तो यही था, 2 फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे थे इसमें हमें, दोनों हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, थैंक यू।